और आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो मुद्दा होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बीजेपी के एमपी जो कि दिल्ली से हैं प्रवेश वर्मा ने उसको मुद्दा बना दिया है। दिल्ली में मस्जिदों की तामीरात को लेकर सियासत गर्मा गई है। आइए देखते हैं कि जमीन पर सूरत हाल क्या है, क्या प्रवेश वर्मा के दावे में कोई दम भी है। मंदिर, मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान पर सियासत इस मुल्क का अलमिया है। दिल्ली वेस्ट से बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा के एक बयान से नया तनाजा खड़ा हो गया है। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में गैर कानूनी तौर से बन रही मस्जिदों की तादाद बढ़ रही है। मंदिर और गुरुद्वारे ये सभी डीडीए के अलॉटेड लैंड पर बन रहे हैं, ये सब एफएआर के अकॉर्डिंगली बन रहे हैं। जितनी भी मस्जिद हैं उनको कौन ये छूट देता है कि वो सरकारी जमीन, सरकारी पार्क, दिल्ली सरकार की जमीन के ऊपर में, सड़कों के ऊपर में, और ना केवल मस्जिद, कब्रिस्तान भी बन रहे हैं वहाँ पे। जो पार्क है हमारे उत्तम नगर में विपिन गार्डन में, पार्क के अंदर में फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन के अंदर में कब्रें बनाए जा रही हैं, तो इनको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? दिल्ली का जब भी चुनाव आता है या दिल्ली में कोई भी चुनाव आता है, 15 साल शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, तो जब भी चुनाव आएगा तभी दिल्ली में मस्जिद बनाने का सीजन शुरू हो जाता है। इस पर रोक लगनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। जबकि उलेमा और अइम्मा इस दावे को बेबुनियाद बताते हैं। दिल्ली के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद का अपना एक सिद्धांत है, एक उसूल है। इनलीगल ज़मीन पे तो वो बनी नहीं सकती। जहाँ भी मस्जिद बनती है सबसे पहले उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि वो ज़मीन कैसी है। अगर वो ज़मीन अपनी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे की है तो उसका मुआवजा दे दिया या नहीं दे दिया, ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही मस्जिद बनती है। ऐसे कोई कब्जा करके किसी की ज़मीन पे मस्जिद ना बनाता है, ना कभी बनाई है किसी ने। हालांकि ज़मीनी सतह पर तस्वीर इसके बिल्कुल बरक्स है। खुद वक्फ की जायदादों पर कब्जे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कागजात में दर्ज जायदादों की तादाद 1964 है। इसमें तकरीबन 40% प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे हैं। वहीं अगर मस्जिदों की बात करें तो दिल्ली में कुल मस्जिदों की तादाद 1926 के करीब है। इनमें प्राइवेट मस्जिदों की तादाद तकरीबन 1163 है। आसारे कदीमा के तहत आने वाली मस्जिदों की तादाद तकरीबन 576 है। इनमें से 118 में नमाज नहीं होती। वहीं 187 दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली वेस्ट से बीजेपी के एमपी प्रवेश वर्मा ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है और उन्होंने कई तरह के इसमें दावे भी किए हैं। हालांकि उनके दावों में कितना दम है ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक तरह से 90% से ज्यादा जो मस्जिद हैं दिल्ली में वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि गुरुद्वारे और जो मंदिर है वो 100% डीडीए से जो अलॉटेड जमीन होती है उस पर हुए हैं। जाहिर से बात है कि एक तरह से उन्होंने बांट दिया है और इस तरह की सियासत वो करते हुए नजर आ रहे हैं और एक नई बहस को उन्होंने जन्म दिया है। 2020 में दिल्ली में असेंबली इंतखाबात होने हैं तो क्या इसी का बीज बोया गया है, ये भी एक सवाल है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ ख्वाजा इफ्तिखार साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। यशवी राघव हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सैयद बाबर अशरफ साहब हैं, मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं ख्वाजा गरीब नवाज के। इसी के साथ ही असद खान फलाही साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान शाहिद अली साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसके साथ साथ वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के। मेरे साथ से कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं इस पर जाऊं इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रही हूं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई है और मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जफर याब जिलानी कर रहे हैं। खान ओज बयान दिया है मुकदमे में कि शरई एतबार से मस्जिद की इमारत गिर जाने के बाद दोबारा मस्जिद तामीर करने में कोई कबाहत नहीं है।
सरकमस्टांसेस तो आज हम आपको कैसे बता दें फैसले के पहले, ये तो देखिए ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो, देखिए हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। जब 1950 वाले हालात आज नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 2019 वाले हालात 2024 में और 2034 में रहेंगे। मस्जिद बैतुल मुक़द्दस कितने साल तक बन रहा है, स्टैंड है कि हमारा टाइटल एक्सेप्ट किया जाए, फिर उसके बाद उस कहाँ हो गया अभी, अभी सुप्रीम कोर्ट से कहाँ हुआ, हाई कोर्ट का आर्डर स्टे है, जुडिशल तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के देखिए सिविल कोर्ट का तरीका ये होता है कि पहले डिग्री पास होती है वो कहलाती है प्रिलिमिनरी डिग्री, फिर फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग चलती है। कोर्ट में सब कुछ तय होगा ना, आपको ये बात मालूम होना चाहिए, कोर्ट सब तय करेगा, कोर्ट आस्था पर फैसला करेगा कि आस्था कितनी पुरानी है, ये कोर्ट के फैसले में शामिल है चीज़। आपने एक प्रेस नोट में एक लाइन मेंशन की है कि सरकार विशेष कमेटी की तरह के लिए काम कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? इसलिए कि जो बयान आ रहा है वो ये आ रहा है कि साहब हम मंदिर बनाएंगे, सरकार का काम हो ही नहीं सकता मंदिर बनाना। अगर सरकार मंदिर बनाने की बात करे तो उसका मतलब एक कमेटी की बात कर रही है। भारत का संविधान जो है वो सेकुलर है, 7 जजेस की बेंच ने एसआर बोबई के केस में ये फैसला किया जो आज तक 1994 का है कि जो सरकार मंदिर बनाने की बात करे वो सरकार संविधान के खिलाफ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संविधान की पूर्ण पीठ सुप्रीम कोर्ट की कह चुकी है एसआर बोबई के केस में। इसी बुनियाद पर यूपी की सरकार का डिसमिसल, मध्य प्रदेश की सरकार का डिसमिसल 92 का, राजस्थान की सरकार का डिसमिसल वैलिड माना गया है। तो सरकार तो ये सब जो कह रही है ये पूरी तरह संविधान के विपरीत है। कोई सरकार का आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये हमारा मोटो है, ये तो काम कुछ लोग कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये जो और जिम्मेदार लोग हैं। देखिए अभी तक सारे उलमा का स्टैंड यही है, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयतुल उलमा हो, चाहे मिल्ली काउंसिल हो, चाहे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, चाहे वो बरेली मसलक के स्कूल हो बरेली हो, या अहले हदीस हो चाहे शिया हो, सबका इत्तेफाक इस पर है कि मस्जिद एक मरतबा बन जाने के बाद उसकी ज़मीन अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है, बंदे उसको ना किसी को दे सकते हैं, ना उसका कोई एक्सचेंज कर सकते हैं, ना उसके बारे में कोई उसको कहीं रख सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। ये मुत्तफ़िका स्टैंड है। कहाँ आपको ये तो कहानी कहावत है, बाहर ऐसा हो गया, कोई स्पेसिफिक स्टैंड बताइए कि फ़लाँ मस्जिद फ़लाँ जगह पर, नाम बताइए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप, लखनऊ में भी रहता हूँ, आपसे उम्र भी ज़्यादा हूँ, बिल्कुल गलत आपका कहना है, कहीं कोई गलत 100% गलत है। मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 1971 से, मैंने सामने कोई मस्जिद नहीं, जब आप पता नहीं कब से करते थे, कोई है हुई नहीं सर, बाकी गलत बता रहे, नहीं हुआ ना, आपकी कहानी में कैसे मान लूँ, मैं लखनऊ में नहीं रहता हूँ क्या, 1971 से तो मैं रह रहा हूँ यहाँ मुस्तकिल। देखिए मध्यस्थता मीडिएशन कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उसको मजाज किया कि पार्टी से और जिन दूसरे लोगों से मुनाही समझे वो बात कर रही है। एक्शन कमेटी में मैं खुद कन्वीनर हूँ, मेरी उनसे मुलाकात 3-4 मरतबा, मैं वकील भी हूँ मुकदमे में, तो उन्होंने 2 मरतबा उससे यहाँ मुलाकात की, 2 मरतबा वहाँ मुलाकात हुई, तो कोई नाम देके नहीं किसी को बुला। 15 अगस्त तक
तो अभी आपने सफरयाब जिलानी को सुना, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने ये कहा कि एक बार अगर किसी जमीन पर मस्जिद बन जाती है तो वो जमीन दरअसल अल्लाह के नाम हो जाती है और उसमें बंदे का कोई इख्तियार नहीं होता है कि वो जमीन किसी को दे दे। तो एक नई बात यहाँ पर वो कहते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर क्या रद्द अमल सामने आता है। चलिए हम अपनी बहस पर लौटते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली की, और दिल्ली की मस्जिद को लेकर भी एक नया बवाल शुरू हो गया है। प्रवेश वर्मा ने यह नया शगुफा छेड़ा है क्योंकि दिल्ली वैसे बीजेपी के एमपी हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। शुरुआत यशवीर में आपसे इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि आप ही के पार्टी के वो एमपी हैं। एक तरफ वजीर आजम कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, चल में छेद की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि 5 करोड़ जो मुस्लिम तलबा हैं उनको 5 साल में स्कॉलरशिप दी जाएगी, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात की जाएगी, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। और दूसरी तरफ आप ही के एमपी जो कि इतने यंग है, 43 साल के हैं, दूसरी बात जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, वो यहाँ पर समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया समाज को बांटने वाला, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी लाइन पे वो बात कर रहे हैं। देखिए, एक सांसद की जिम्मेदारी क्या होती है? सांसद की जिम्मेदारी होती है कि उसके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, सर्वस्पर्शी विकास हो। उनके पास कुछ लोग समस्या लेकर आते हैं कि भी कुछ अवैध मस्जिदों के बनने से पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, रास्ते में जाम लग रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है उस समस्या का निराकरण करें। और उस समस्या का निराकरण करने के लिए उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी धर्म विशेष के बारे में कोई बयान नहीं दिया। एलजी के पास हो जा सकते थे, एलजी के पास उन्होंने अपना अगर वो ये कह रहे हैं कि 100% जो गुरुद्वारे हैं और मंदिर हैं वो डीडीए अलॉटेड जमीन पर बनते हैं, और उनका कहना है कि 90% मस्जिद जो है वो सरकारी जमीन पे बनती है। बुशा जी, मैंने उनका बयान लेकर आए, बुशा जी मैंने उनका बयान सुना, उसको आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उनके पास कोई समस्या लेकर गया है, शिकायत लेकर गया, अगर इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि कोई गुरुद्वारा या कोई मंदिर या वहाँ उस क्षेत्र किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को लगता है ये अवैध तरीके से बनाया गया, तो वो समस्या लेके जाए, उसका भी निराकरण करेंगे। जो शिकायत आई उसको लेकर वो एलजी के पास गए, उन्होंने पत्र सौंपा है कि भाई ये एक समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका आप निराकरण करें। तो उसमें धार्मिक मंदिर मस्जिद की सियासत करेंगे या फिर वो दूसरी बार चुनके गए थे दिल्ली वैसे ही, या उन्हें ये देखना चाहिए था कि उनके एरिया में किस तरह के काम हुए हैं, तरक्की के क्या काम हुए हैं, किस तरह से क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य करते हुए उनके सामने ये समस्या आई है, तो उसके लिए, क्योंकि जब आप पार्किंग की समस्या, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, जब आप अवैध रूप से पार्किंग, अरे मैडम सांसद वो बन चुके हैं, अब 5 साल बाद चुनाव है, अगर आप इसको राजनीतिक तरीके से जोड़ेंगे 2020 तो 2000 तो वो ने विधायक का चुनाव नहीं लड़ना मैडम, सांसद हैं, वो अभी जीत कर आए हैं, आपकी पार्टी को तो लड़ना है ना, वो सांसद हैं और सांसद जीत कर आए हैं, उन्होंने अपना जो समस्या आई है पार्किंग की समस्या दिल्ली में सबसे बड़ी है, आपको भी इस बात का अंदाजा है क्योंकि आप दिल्ली नोएडा में रहते हैं, जो अवैध रूप से जो पार्कों को और पार्किंग स्थलों को जिस प्रकार से कब्जे किए जा रहे हैं उसको लेकर उनके पास शिकायत है, उसको लेकर उन्होंने एलजी के पास गए हैं और समस्या का निराकरण किया है। वो कोई सड़कों पर आकर आंदोलित तो नहीं हुए, वो कोई मस्जिदों में कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं। अगर एलजी को लगेगा कि वाकई में इस प्रकार की अवैध तरह के कब्जे हो रहे हैं तो उस पर एक्शन लेंगे, ठीक है, इसमें मुद्दा है नहीं, बहस का मुद्दा है नहीं, समस्या आई है उत्पन्न हुई है, निराकरण कर रहे हैं, तो मुद्दा इसको बनाया गया है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली वेस्ट से बीजेपी के एमपी हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में दरअसल इलीगल जमीनें हैं, सरकारी जमीनें हैं जिन पर मस्जिद बनाई जा रही है, इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उन्हें पार्किंग की परेशानी हो रही है, जाम की परेशानी हो रही है। इसी पर हम बात करें, मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये मुमकिन है कि इल्लीगल जमीन हो और उस पर मस्जिद बन जाए, मुसलमानों को कोई परेशानी ना हो और वहां पर नमाज भी पढ़ रहे हूं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल पे मौलाना साजिद रशीदी साहब का एक इंटरव्यू जी बयान दिया था और उसमें उन्होंने एक बड़ी बुनियादी बात कही, और फलाही साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बाबुल अशरफ साहब तशरीफ रखते हैं, ये भी इसी बात से इत्तेफाक करेंगे, किसी भी डिस्प्यूटेड जगह पर मस्जिद तामीर नहीं हो सकती, ये पहली बात साफ है। अब जो बात इन्होंने उठाई है वर्मा साहब ने, ये साहिब सिंह वर्मा के साहबजादे हैं जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे और उनके जरिए से दिल्ली में कई बेआबाद मस्जिदों को आबाद किया गया। तो बजाय इसके कि ये अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते, इन्होंने तो उस रास्ते को छोड़कर एक और रास्ता ले लिया, इससे कि माशरे के अंदर जो है वो तफरीक पैदा हो। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इस मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं,
या ये इस तरह के ये एमपीज हैं जो इस तरह की गुफ्तगू, इस कस्म की जुबान और इस कस्म के मुद्दे उठाते हैं? क्या ये अपनी जमात के वफादार हैं या अपनी जमात की जड़ों को खोखला कर रहे हैं? अभी 3-4 दिन पहले वजीर आजम एक बयान देते हैं और एक उस बयान का एक खैर मकदम होता है, तमाम मुस्लिम बिरादरी, तमाम तबके उसका खैर मकदम करते हैं और तवक्को करते हैं कि माहौल के अंदर बेहतरी पैदा होगी। भाई इलेक्शन खत्म हो चुका, अब मसला गवर्नेंस का है। गवर्नेंस के अंदर जो मुद्दे आने चाहिए उनका ताल्लुक तरक्की से होना चाहिए, तालीम से होना चाहिए, तिजारत से होना चाहिए, तरबियत से होना चाहिए और मुल्क की सिक्योरिटी से होना चाहिए। मुल्क के अंदर बेहतर माहौल किस तरह से पैदा हो इस पर होना चाहिए, आवाम को परेशानियां ना हो रोजमर्रा के मामला के अंदर, इस तरह तवज्जो होनी चाहिए। आप मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं, अब आप ये कहते हैं साहब कि ये गैर कानूनी जगह पर मस्जिदें बनाई गई हैं। देखिए अगर इस बहस में हम जाना शुरू करेंगे तो इस दिल्ली के अंदर आपको सैकड़ों मंदिर मिल जाएंगे जो गैर कानूनी जगह पर बनाए गए हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि अब हिंदू और मुसलमान न करके और मस्जिद और मंदिर न करके अगर वाकई कोई ईमानदारी का कहीं कोई पहलू मौजूद है या बाकी रह गया है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को बना दे कमीशन और कमीशन बना के इस बात की आइडेंटिफाई कर दें कि कहां कहां पे कौन कौन से मंदिर और कौन कौन सी मस्जिदें जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे बनी हैं, यानी बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये जो मिजाज, जिस मिजाज की तरफ मुल्क को बार बार घसीटा जा रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान 70 सालों में मेन स्ट्रीम के अंदर रहा है, आज भी है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ये जो बार बार हमारे पिन लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और हमारे अंदर एक अजीब सा एहसास महरूमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये आखिर कहां लेकर जाएगा? अब कल को अगर कुछ लोग जो है मुंतशिर हो जाएंगे जहनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर तो फिर मैं और आप बैठकर यहां बहस करेंगे कि साहब ये तो बिखर गए जो है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि माशरे में किसी भी कीमत पर किसी भी जानिब से और बिलखसूस वो लोग जो कानून बनाने वाले हैं, जो पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं, उनका ये काम है कि वो जो है तफरके की बात करें, जोड़ने की बात करिए। चलिए मैं इससे पहले अपने स्टूडियो के मेहमानों के पास जाऊँ। शाहिद अली साहब हैं मेरे साथ मौजूद हैं वक्फी प्रॉपर्टीज को लेकर, एक तरह से उन्होंने बहुत सारे केसेस लड़े हैं, मुहिम चलाई है, मेरे साथ जुड़ गए। शाहिद साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो प्रवेश वर्मा साहब हैं उनका ये कहना है कि वक्फ खुद इल्लीगल कब्जे कर रहा है जमीनों पर और उस पर वो मस्जिद बनवा रहा है, तो एक तरह से उनकी यही बात आप ये देखें कि कितनी कॉन्ट्रोडिक्ट है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि वक्फ की बहुत सारी ऐसी लातादाद प्रॉपर्टीज हैं जिन पर इल्लीगल कब्जा हुआ हुआ है और खुद वक्फ उसका केस लड़ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि वक्फ खुद इल्लीगल तरीके से कब्जा कर रहा है, उस पर मस्जिदें बनवा रहा है। शाहिद साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए शाहिद साहब से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। असद खान फलाही साहब आप जवाब देना चाहेंगे सवाल का? देखिए दो मुद्दे हो जाएंगे यहां पर, मैं वक्फ पे बाद में आऊंगा, पहले जरा इनके बयान का थोड़ा सा तजिया कर लिया जाए। देखिए इन्होंने खालिसतन ये बयान सिर्फ और सिर्फ तनाजो पैदा करने के लिए दिया है, उसके उसूल मैं बता रहा हूं कैसे। जब अगर आप उस पत्र को पढ़ेंगे, उस खत को, तो उन्होंने पॉइंटेड एक भी मस्जिद की तरफ इशारा नहीं किया कि ये मेरे इलाके की मस्जिद है जो कि गवर्नमेंट की जमीन पर बनी हुई है। और अभी जो इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे, मैं उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, मस्जिद तो वो जगह हो गई जहां मजमूई तौर पर मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं ना, मैं कह रहा हूं इंडिविजुअल अगर नमाज पढ़नी भी होगी ना उसके लिए भी पाक और गैर मुतनाज़े होना जरूरी है। अगर मैं किसी घर में नमाज पढ़ना चाहूं या किसी और की जगह पर नमाज पढ़ना चाहूं और अगर वो मुझे मना कर दे कि आप यहां नहीं पढ़ सकते तो मैं वहां नमाज नहीं पढ़ सकता। सही, यह है उसूल नमाज के लिए, वही चीज है मस्जिद के लिए, क्योंकि मस्जिद सजदे से बनी है जहां हम सजदा करें, यानी सजदा करने के लिए उस जमीन का सिर्फ पाक होना ही नहीं, उस जमीन का मालिक जो भी है उससे इजाजत लेना भी जरूरी है। अगर वो इजाजत नहीं देगा तो आपका सजदा, आपकी नमाज वहां नहीं होगी। यही उसूल मस्जिद पर अप्लाई होता है। तो पहली बात तो ये उनकी हो गई कि उन्होंने खालिसतन सिर्फ मुतनाज़े बयान देने की कोशिश करी कि इससे एक फितना पैदा हो जाए। और अगर उनको वाकई इतने कंसर्न थे, मैं मानता हूं चलिए उनकी अगर थोड़ी सी ईमानदारी, उनकी ऑनेस्टी पे बात की जाए,
तो वो उनको इसके साथ साथ तमाम चीजों को ऐड करना चाहिए था कि मेरे इलाके में जितनी भी मसाजिद हैं, जितने भी और मजहबी माबद हैं, यानी जो वर्शिप प्लेसेस हैं, जो कुछ भी हैं, उन सब की एक तफ्तीश की जाए, जो जो इंक्रोचमेंट हुआ हुआ है, यानी इल्लीगल इंक्रोचमेंट हुआ हुआ है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नजर आए उन्होंने गुरुद्वारे मंदिरों को अलग कर दिया और मस्जिदों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, इसीलिए उनकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाना नहीं, ये मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, मतलब अब आपको सवाल उठाने के लिए बिटवीन द लाइन यू नो नीड टू रीड, वो तो ऑलरेडी रिटन देयर, तो आपको आप वो करें। तो देखिए ये तो हो गया उनके उस पे, अगर उन्होंने मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर वो ये बात कहते हैं कि भाई जितने भी मेरे इलाके में इंक्रोचमेंट हो रहे हैं उन सब पे कार्रवाई की जाए, उन सबको रिमूव किया जाए, तो वी शुड ऑल वेलकम इट, हमें सबका स्वागत करना चाहिए, बीट मस्जिद और मंदिर और कोई भी और भी रह गया। अभी उन्हीं से पूछ लेती हूँ क्योंकि उसको उनको इसके बारे में ज्यादा मालूम हासिल, उन्होंने एक मुहिम की है, मैं आपके पास लौटूंगी। शाहिद अली साहब, वक्फ को लेकर एक बार फिर से तनाजा खड़ा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि वक्फ की जो वक्फ बोर्ड है खुद वो जमीनों का इल्लीगल तरीके से उसको एक्वायर कर रहा है, उस पर मस्जिद बना रहा है, बल्कि वो तो उल्टा रहा है, और ये कहना है प्रवेश वर्मा का।